हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आई एग्जाम बी दिस इज विधिका लॉ फैकल्टी एट आई एग्जाम बी अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मैंने एक स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी 40 डेज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर एग्जाम और उस वीडियो में मैंने एक डे वाइज स्टडी प्लान भी दिया था जिसमें मैंने बताया था कि आप किस दिन किस टॉपिक को दीजिए और कितने दिन एक टॉपिक पर लगाइए इफ़ यू रिलीजियसली फॉलो दैट स्टडी प्लान यू कैन ईजिली फिनिश अप योर लॉ सिलेबस added to that you can also have a thorough revision now i have received a lot of queries for the fact ki kya wo study plan ek working professional follow kar sakte hain aur agar follow kare to kaise follow kare this is what we are going to discuss in this video are you a working professional and i will try to customize that study plan that strategy for you how you can prepare for this exam अगेन आई एमशनिंग होते हैं आने के बाद भी काम होते हैं ऑफिस में बहुत थकान भी हो जाती है तो आके रेस्ट करने का भी मन होता है एकदम से पढ़ाई में नहीं लगा जाता मन भी नहीं करता पढ़ने का बट ये चीज सोचिए की सेबी ग्रेडेड लीगल ऑफिसर बनने का भी तो मन आपका ही है ना तो अगर सेबी ग्रेडेड लीगल ऑफिसर बनना है तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालना पड़ेगा यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव योर जॉब एंड इट इज नॉट इवन एडवाइजेबल टू लीव योर जॉब टू प्रिपेयर फॉर अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो फिर अब कैसे करें फर्स्ट थिंग प्लीज रिमेंबर येस इट सीम्स हार्ड इट इज हार्ड बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल यू हैव टू पुट इन इनफ फेथ इनफ ट्रस्ट इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट एंड ये देन ओनली यू विल बी एबल टू डू इट अगर आप पहले ही खुद को डाउट करने लगेंगे तो फिर आप कैसे करेंगे अब अगर आप एग्जाम पैटर्न देखें फेज़ वन में दो पेपर होते हैं पेपर वन विच हैज़ फोर सब्जेक्ट क्वॉन्ड रीजनिंग इंग्लिश एंड जी एंड फेज टू विच हैज़ योर वन सब्जेक्ट दैट इज लॉ जो पेपर वन है इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है तो अगर आपको दो सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे से आते हैं और आप उसकी प्रैक्टिस कर लें और बाकियों में मॉडरेटली थोड़े बेसिक टॉपिक्स पढ़ लें सो यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम आई नो एज अ लॉ ग्रेजुएट मैथ क्वान सेक्शन बहुत डिफिकल्ट होता है आप लोगों के लिए बिकॉज वी डोंट से बहुत डर लगता है एक चीज ध्यान रखिए टाइम एंड अगेन आई एमशनिंग ऑल माई विडियोज पेपर वन में आपको मिनिमम थर्टी मार्क्स ही चाहिए सो इवन इफ यू आर गुड इन रीजनिंग इन इंग्लिश इन जनरल अवेयरनेस क्वॉन का सेक्शन में आप अगर दो तीन बेसिक टॉपिक्स भी प्रिपेयर कर ले यू आर वेल प्रिपेयर फॉर पेपर वन आपको ज्यादा एफर्ट ज्यादा स्ट्रेस पेपर टू पे देना चाहिए नो पेपर टू इज योर लीगल पेपर यू में ज्यादा स्ट्रेस क्यों देना है क्योंकि जब आप पेपर टू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका फेज टू में भी पेपर टू प्रिपेयर हो रहा है पेपर टू इन फेज टू हैज ओनली फ्यू टॉपिक्स एक्स्ट्रा देर इज अबाउट टेन टू ट्वेंटी परसेंट एक्स्ट्रा सिलेबस फॉर फेज टू और इसमें भी आपको फोर्टी परसेंट मिनिमम लेने हैं

उसमें मैंने आपको बताया था कि आप कितना टाइम किस टॉपिक को डिवोट कीजिए नाउ अगेन दिस डिपेंड्स कि आपको कौन सी चीज आती है आप किस में कंफर्टेबल है हो सकता है आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपका जीए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो तो आप ऑलमोस्ट एक पार्ट के लिए तो प्रिपेयर्ड ही हैं बस उसको रिवाइज करना है लॉ तो एनी हाउ पढ़ना ही है इसके लिए ऑप्शन नहीं है इसको छोड़ भी नहीं सकते तो लॉ तो पढ़ना ही है नाउ कमिंग टू क्यूआर इसमें से भी आप कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ लीजिए रीजनिंग जैसे आपने पूरा कर लिया या इंग्लिश आपने सारे टॉपिक्स 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 पढ़ 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 लिए लिए क्वांट में आपने कुछ and if you are good in quants, quants आपने कुछ एंड इफ़ यू आर गुड इन क्वांट्स क्वांट्स सारे लिए इंग्लिश में कुछ कम पढ़ लिया नाउ दिस एंटायरली डिपेंड्स कि आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आप किस चीज में स्ट्रॉन्ग है सेल्फ एनालाइज करना है अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस को समझ के तैयारी करनी है यू हैव अ लिमिटेड टाइम इन हैंड यू स्टिल हैव फोर्टी डेज आप इसी में प्रिपेयर कर सकते हैं एक चीज और फॉलो सिलेबस रिलीजियसली फॉलो सिलेबस थर्ली आई हैव ऑलरेडी all these ऑल in that इन दैट वीडियो प्लीज डू विजिट दैट वीडियो आई एम नॉट discuss इट अगेन इन दिस वीडियो एंड द नेक्स्ट important थिंग इज रिवाइज एंड प्रैक्टिस जो भी पिछले दिन पढ़ा है उसे अगले दिन रिवाइज कीजिए वरना ऐसा होगा चार दिन बाद वो पिछले टॉपिक्स भूल गए फिर आगे फिर से चार टॉपिक्स पढ़ रहे हैं सो डेली रिविजन इज अ मस्ट and practicing a lot of questions will help you in retaining that knowledge in applying that knowledge. This was what to study. Now how to study? When to study? ab aisa hai suppose kijiye aapke office timings 10 to 5 hai अब ten to five तो कहने की बात होती है. उससे पहले भी आपको travelling में time जाता है, बाद में भी travelling में time जाता है. तो चलो मान लेते हैं आपका nine to six, nine to seven busy है. Adding your other daily course to this time. अब आप ये देखिए प्रेजेंट इन दिस कोविड हो सकता है आपका वर्क फ्रॉम ऑल्टरनेट डे हो जाए बट रिलाइंग ऑन दैट आपके पास अभी भी नौ बजे से पहले का और सात बजे से बाद का टाइम है जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कर सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा दो घंटे सुबह पढ़ना होगा दो घंटे शाम को पढ़ना होगा आई नो सर्दी के दिन है नॉर्थ इंडिया में रजाई में से निकलने का मन नहीं करता है बट एट सेम टाइम सेबी दबीड लीगल ऑफिसर बनने का भी मन आपका ही है अब आपको ये देखना है आप अपनी किस इच्छा पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं आपको अपनी नींद ज्यादा प्यारी है या सेबी ग्रेडेड लीगल ऑफिसर बनना ज्यादा प्यारा है एंड वन थिंग इज डेफिनेटली थिंगे स्ट्रगल फॉर प्रिपेरिंग फॉर दिस एग्जाम मे रिक्वायर फॉर यू टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट बट दूट मच स्वीट सो वेकअप इन द मॉर्निंग स्टडी फॉर टू आवर्स इन द मॉर्निंग स्टडी इधर लॉ स्टडी इंग्लिश वट एवर यू वॉन्ट टू स्टडी जी ए स्टडी ड्यूरिंग दैट टाइम एंड गोअ रिलीजियस स्टडी जब पढ़ रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई पर ही रखिये ऑफिस की टेंशन उस वक्त मत लीजिए नाउ कमिंग टू योर ऑफिस टाइमिंग ड्यूरिंग योर ऑफिस टाइमिंग डोंट पिकअप एनी न्यू टॉपिक उससे क्या होगा ना ऑफिस के काम पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाओगे पढ़ाई पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाओगे और इरिटेशन होना शुरू हो जाएगा एंड यू विल स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ यूनिंग योर सेल्फ एंड यू विल गेट एक्स्ट्रा स्ट्रेस्ड आउट और टायर्ड फील करेंगे सो इन ऑफिस टाइमिंग्स प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर सुबह आपने लॉ का कोई टॉपिक पढ़ा है सपोज आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है ऑफिस टाइमिंग्स में उस टॉपिक के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए या फिर रीजनिंग पढ़ा है एक पजल सॉल्व कर लीजिए सो ऑफिस टाइमिंग्स में मेजरली इसी एरियान गेट बैक टू योर स्टडीज स्पेंड टू आवर्स ऑन स्टडी एंड आफ्टर दैट स्पेंड वन आवर इन रिविजन जो भी सुबह से लेके शाम तक पढ़ा है उसको रिवाइज करके ही सोना है एंड देन दिस इज द रूटीन विच यू हैव टू फॉलो फॉर दर वीक Weekend आने पर आपके पास टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा एंड ऑन वीकेंड आपको करना क्या है एक तो ज्यादा टाइम पढ़ाई को डिवोट करना है और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं सो दैट आपने जो भी वीक में पढ़ा है उसके एप्लीकेशन को आप जज कर सके एग्जाम लेवल एक्सपीरियंस को आप फेस कर सके एंड एज आई है प्रीवियस वीडियो में आपको एक स्टडी प्लान दिया था दिस वॉज माई फोर्टी डेज स्टडी प्लान आपके पास ऑलरेडी एक एडवांटेज है आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपकी नॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज कंपैरेटिवली ज्यादा है डोंट डाउट योरसेल्फ अब ऐसा हो सकता है आप कॉर्पोरेट फॉर्म में काम करते हो कंपनी लॉ आपका स्ट्रांग एरिया हो तो कंपनीज एक्ट में आपको इतना टाइम डिवोट करने की जरूरत ही ना पड़े हो सकता है ऑफिस में ऑलरेडी आप कंपनी लॉ पे ही काम कर रहे हो कंपनी एक्ट से ही डील कर रहे हो तो इसका रिविजन तो आप ऑफिस में भी कर सकते हैं तो आपके बीच के ये पांच दिन डे फोर से डे एट जिसमें आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं ये तो आपके ऑटोमेटिकली ऑफिस में कवर हो जाएंगे और फिर इस टाइम टेबल में आप थोड़ा अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं और बाकी टॉपिक्स पढ़ सकते हैं अब ऐसा भी हो सकता है आप लिटिगेशन में हैं लिटिगेशन में आप सी पी सी सी आर पी सी आई पी सी एविडेंस इनसे डील करते हैं तो अपने advocate, आप अपने को टाइमिंग्स में वैन यू आर असिस्टिंग सम सीनियर एडवोकेट आप इन एरियाज को कवर अप कर सकते हैं इन एरियाज को अप कर सकते हैं और फिर आप इन डेज को किसी और चीज के लिए यूज कर सकते हैं सो अगेन सेट बैक थिंक फॉर वन आर थिंक अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस And just start your preparation. And if you keep on stressing, keep on self-doubting, one by one, each day will pass over, and you won't have enough time to finish off the syllabus to prepare for this exam. I hope I have cleared a little bit of your doubts. If you still have any query, you can write your query in the comment box. You can also call us on the number which is mentioned on the screen or write to us on hello @i -exam .com. at the At we offer SEBI grade legal online course. And for that introduction class is going to start from 11th of January. If you are interested in any form of guidance, in any form of help in your preparation, you can enroll. We are offering a flat 40% off at present on this course. Don't forget to subscribe to our channel and click the bell icon. Thank you so much and wish you all the best in your preparation.